जैसे ये मेरे पास इरेजर है, इस इरेजर से हम अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं। नमस्कार, आराध्य चित्रकला YouTube क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्ट्रोक, टोन, टेक्सचर, कंट्रास्ट, स्मजिंग, स्क्रबिंग, स्टीपलिंग और स्कम्बलिंग के बारे में। ये ड्राइंग के कुछ ऐसे टर्म हैं जिसमें आप शेडिंग करना सीखते हैं। शेडिंग का जो टर्म होता है, पेंसिल कैसे चलाने हैं उसको आप सीखते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक जो होते हैं, इसका मेनली अर्थ होता है एक झटका, और ये ड्राइंग के टाइम बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और इसको समझना चाहिए कि इसको करते कैसे हैं और किसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे लाइन के बारे में बताया था। तो जैसे कि हम पेंसिल ऐसे लिए और इसको हवा में ऐसे उछाल देते हैं, तो एक एक लाइन को हम स्ट्रोक कहेंगे। ये दिख रहा है। अब आपको पेंसिल कैसे पकड़ने हैं और कैसे पूरे हाथ का इस्तेमाल करना है, ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। आप छोटे छोटे स्ट्रोक भी कर सकते हैं और आप काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रोक भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। अब इसमें होता है डबल साइडेड स्ट्रोक, यानी कि इस साइड से भी स्ट्रोक जाएगा और इस साइड से भी स्ट्रोक जाएगा। पेशेंसली जितना आप कीजिएगा उतने अच्छे आपके स्ट्रोक होंगे। जैसे यहां पे आप देखेंगे, अब बारी आती है कि स्ट्रोक कितने तरीके के होते हैं। तो जितने तरीके के लाइन है उतने तरीके के स्ट्रोक हो सकते हैं। जैसे ये ऑब्लिक स्ट्रोक हो जाते हैं, ये आपका वर्टिकल स्ट्रोक हो जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो जाते हैं, ये वर्टिकल स्ट्रोक हो जाते हैं, ऑब्लिक तो आप समझ ही गए, अब ये सर्कुलर स्ट्रोक हो जाते हैं। तो ऐसे भी और भी लाइन है, जैसे वेवी स्ट्रोक हो गए और जिगजैग स्ट्रोक हो गए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। वैसे जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्ट्रोक उतना ही अच्छा होगा। अब जैसे सर्कुलर स्ट्रोक होता है, तो ऐसे छोटे छोटे हम सर्कुलर लाइन अगर करते हैं, जिसको हम डूडल भी बोल सकते हैं, ये आपका स्ट्रोक हो जाएगा। दूसरा टर्म आता है टोन। टोन बेसिकली डार्क को हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी ड्राइंग या पेंटिंग अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो सामने वाले जो भी दर्शक होते हैं वो बोल सकते हैं कि इसमें टोन की मात्रा ज़्यादा है। अगर किसी ड्राइंग या पेंटिंग में बहुत फीका फीका कलर दिखता है, या फिर पेंसिल शेडिंग जो होता है काफ़ी हल्का होता है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें टोन की कमी है, उसमें टोन बढ़ाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ जिगजैग कुछ लाइन दे रहे हैं, इस जिगजैग लाइन को थोड़ा सा हम पेंसिल को प्रेस करके डार्क कर रहे हैं। फिर ये डार्क हो गया, फिर इसको हम हल्का कर दें और एकदम हल्का कर दें। तो यहाँ वाला पोर्शन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोन की मात्रा जो है ज़्यादा है और यहाँ पे टोन की मात्रा कम है। तो अगर डार्कनेस कम होता है, डार्क पार्ट कम होता है, तो उसमें बोल सकते हैं कि टोन की मात्रा कम है, और जहाँ डार्क ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे टोन की मात्रा ज़्यादा हम बोल सकते हैं। तो टोन जो होता है वो खासकर लाइट और शेड को दिखाने के लिए किया जाता है। तो हमेशा ड्राइंग में लाइट और शेड में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो इसलिए टोन का इस्तेमाल होता है। आगे हम तीसरे टर्म में आते हैं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है चटकीला। जैसे किसी भी कलर को अगर उसी कलर में और ज़्यादा हम डार्क करने लगे हैं, तो उसको कंट्रास्ट हम बोल सकते हैं। जैसे कि अगर वाइट कलर अगर लेते हैं, वाइट कलर और ज़्यादा वाइट हो जाए तो उसको हम कंट्रास्ट कहेंगे। ब्लैक कलर जो हल्का ग्रे कलर है, उस ग्रे कलर को अगर हम और ज़्यादा डार्क कर दें, यानी ब्लैक कर दें, तो उस ब्लैक को हम कंट्रास्ट कलर कहेंगे।
अगर ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को और ज़्यादा हम डार्क करेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस रेड कलर को कंट्रास्ट कलर कहेंगे। कंट्रास्ट बेसिकली होता है जिसको चटकीला रंग हम बोल सकते हैं, यानी कि कोई पेंटिंग हो या फिर कोई कलर हो या फिर कोई शेड हो जिसमें चटकदारपन नहीं हो, चटकीलापन नहीं हो, तो उस कलर को एकदम गाढ़ा कर देंगे, वाइब्रेंट कलर बना देंगे, तो उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। जैसे कोई पेंटिंग अगर धुंधला है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इसमें कंट्रास्ट की कमी है। अगर कोई पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसमें कलर वाइब्रेंट दिख रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं वो कंट्रास्टफुल पेंटिंग है। चौथे नंबर में आता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना पहचान, अपना एक अलग रूप। जैसे प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना अलग पहचान होता है, उसको स्पर्श करके हम समझ सकते हैं, उसको देख के हम समझ सकते हैं, तो उस प्रारूप को, उस रूप को हम लोग टेक्सचर बोलते हैं। जैसे कि ये पेज है मेरा, तो इस पेज को हम पेज का टेक्सचर कहेंगे। जैसे ये ग्रेफाइट है, तो ये ग्रेफाइट का टेक्सचर कहेंगे। यहाँ पे हम छोटा सा एक ड्राइंग बना रहे हैं, आप इस ड्राइंग को देखें और समझें। यहाँ पे जो भी हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं काफी आसान टर्म है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक माउंट का ड्राइंग किया है। अब एक और चीज यहाँ पे समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है टोन कम है और यहाँ पे टोन ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये माउंट जो है हमारे नज़दीक है और ये माउंट को हम थोड़ा डिस्टेंस यानी हमसे दूर दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ टोन की मात्रा कम थोड़ा देंगे पर्सपेक्टिव के अनुसार, और यहाँ पे टोन की मात्रा ज़्यादा देंगे। जब आप पर्सपेक्टिव पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। आगे हम आते हैं टेक्सचर के बारे में। तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने सिर्फ पेंसिल का ग्रेफाइट यूज किया और पेज यूज किया, वास्तव में ये कुछ नहीं है, सिर्फ पेंसिल का ग्रेफाइट है और पेज है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक माउंट है, पहाड़ है। तो मैंने क्या किया, ग्रेफाइट के हेल्प से एक पहाड़ का टेक्सचर यहाँ पे बनाया, जिसके वजह से यहाँ पे हमको माउंट फील हो रहा है, तो ये टेक्सचर कहलाता है। जस्ट इसके आगे आएंगे, स्मजिंग। स्मज मतलब होता है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर पेंसिल ग्रेफाइट को मिला देना, उसको स्मज हम कहेंगे। जैसे यहाँ पे ये हम कर रहे हैं। अब किसी भी कॉटन क्लॉथ से या ईयरबड से या स्मज टूल से हम इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी बहुत सारे पोर्ट्रेट देखे होंगे और बहुत सारे स्टील लाइफ देखे होंगे जिसमें ग्रेफाइट को ऐसे स्मज करके उसमें शेड दिखाए जाते हैं, तो इसको हम लोग स्मज कहेंगे, ठीक है। अब आगे टर्म आता है स्क्रिबलिंग। जैसे स्क्रब होता है, स्क्रब मतलब खरोचना होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मज किया है। अगर हम इसको इरेजर के हेल्प से थोड़े पार्ट को अगर हम हटा लेते हैं तो वहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है वो हट जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्क्रिबलिंग। जैसे ये मेरे पास इरेजर है, इस इरेजर से हम अगर ऐसे ऐसे कर देते हैं तो इसको स्क्रिबलिंग बोलेंगे। अब आप इसमें हल्का शेड दे सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे आपको सपोज दैट कि आपको क्लाउड बनाने हैं, तो क्लाउड बनाने हैं तो पहले स्मज कर देंगे और इरेजर से आप ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये क्लाउड का शेप ले लें, ठीक है। तो जस्ट आगे जाते हैं, स्टीपल होता है, उसी का स्टीपलिंग। जैसे ये पेंसिल का जो एक्सिस है, जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट के हेल्प से अगर हम बहुत सारे डॉटेड्स करते हैं, डॉट करते हैं, इस पॉइंट से अगर बहुत सारे डॉट करते हैं तो ये हो जाता है स्टिपल। तो इस डॉट के हेल्प से हम बहुत सारे शेडिंग वगैरह दिखा सकते हैं, ग्रेन्स दिखा सकते हैं, नोज वगैरह पे जो
जो स्किन के होल्स होते हैं छोटे छोटे, वो चीज़ हम दिखा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टिपलिंग। अब एक लास्ट टर्म आता है कम्बलिंग। जैसे कॉम्बिंग होता है, जैसे हम लोग कंघी जिसको बोलते हैं, उसी तरह है स्कम्बलिंग। अब ऐसे ऐसे सर्कुलर लाइन को हम ये बोल सकते हैं। इसका यूज भी शेड दिखाने के में होता है। अब हम छोटे छोटे शेप में भी कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे और भी टर्म होते हैं, लेकिन मेनली यही सारे टर्म हैं जो शेडिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो आप सब इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बाद ये आपको और अच्छा आएगा। अब इसके आगे का टर्म आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा।